गुड मॉर्निंग स्टैंडर्ड 8। एज़ यू ऑल नो डैट इन लिटरेचर सेक्शन वी हैव कम्प्लीटेड आवर फर्स्ट चैप्टर सो स्टूडेंट, बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज। सो आज हम लोग अपने इंग्लिश लैंग्वेज का फर्स्ट क्लास तो नहीं कहेंगे, बहुत सारे क्लासेज आप इंग्लिश लैंग्वेज में हो चुके हैं, लेकिन इस इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास में आज जो टॉपिक मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ वो टॉपिक दिखता तो बहुत आसान है बट एक्चुअली है बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग। एंड दैट चैप्टर नेम इज़ प्रीपोजिशन। यस ऑफकोर्स स्टूडेंट, प्रीपोजिशन आज हम लोग समझेंगे। प्रीपोजिशंस के क्वेश्चंस देखने में समझने में बहुत आसान लगते हैं बट एक्चुअली वो आसान होते नहीं है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होते हैं। दे आर क्वाइट कन्फ्यूजिंग, इज़न्ट इट स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले प्रीपोजिशन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि प्रीपोजिशन शब्द का मतलब क्या होता है। प्रीपोजिशन शब्द का मतलब होता है संबंधवाचक। क्या होता है? संबंधवाचक। सो लेट्स बिगिन द क्लास। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो थ्रू द डेफिनेशन ऑफ द प्रीपोजिशन। एंड द डेफिनेशन ऑफ द प्रीपोजिशन इज अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू लिंक नाउंस, प्रोनाउंस और फ्रेजेज टू अदर वर्ड्स विद इन अ सेंटेंस। वंस अगेन, a preposition is a word that is used to link nouns, pronouns or phrases to other words within a sentence. They act to connect the people, objects, time and location of a sentence. They act to connect the people, object, time and location of a sentence. So that is the definition of a preposition. Okay, now let's understand this definition with the help of some examples. First example, I left my jacket in the car. In, so in this sentence student, the preposition word is in. I left my jacket in the car. Did you send that letter to your mother? Did you send that letter to your mother? So, to is the preposition. Today we ate, A-T-E. Today we ate lunch with his boss. Today we ate lunch with his boss. So with is preposition. The book is on the table. The book is on the table. On is preposition. He will come on Wednesday. He will come on Wednesday. On is preposition. So that is the definition as well as the examples of the preposition. Apart from that, there are some kinds of prepositions also. In preposition, we have to read four kinds of preposition. First one is preposition of place or direction. Second, preposition of time. Third, preposition of manner. And fourth one is preposition of purpose. Once again I am repeating the kinds of the preposition. Listen carefully. First is preposition of direction or place. Second is preposition of time. Third is preposition of manner. And the last one is preposition of purpose. Let's understand all these types of preposition one by one. So first type is preposition of place or direction. What is the definition, students? The preposition of place or direction tells us the place or direction of a noun or pronoun in a sentence. The preposition of place
or direction tells us the place or direction of a noun or pronoun in a sentence. Examples: there is a wasp in the room. Wasp, 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 पीली वाली जो टिड्डा होता है जिसको हड्डा भी बहुत लोग बोलते हैं ग्रामीण बोलचाल की भाषा में, हड्डा, बिरनी, ऐसे लोग बोलते हैं. सो दैट इज द दैट इज एन इंसेक्ट. देयर इज अ वैस्प इन द रूम. इन इज प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन बिकॉज इट इज शोइंग अस वेयर इज द वैस्प. ये हमें बता रहा है कि वैस्प कहाँ है. तो जवाब में क्या मिलता है, कमरे के अंदर है, कमरे के अंदर, इन द रूम. इन जो है वो प्लेस और डायरेक्शन, प्लेस बता रहा है कहाँ है वो. पुट द प्रेजेंट इनसाइड द बॉक्स. पुट द प्रेजेंट इनसाइड द बॉक्स यानी कि जो उपहार मिला है उसे बक्से के अंदर रख दो. इनसाइड द, कहाँ रख दो, प्लेस, जगह बता रहा है, कहाँ रख दो, इनसाइड, अंदर रख दो. वी लेफ्ट योर कीज ऑन द टेबल. वी लेफ्ट योर कीज ऑन द टेबल. हम लोगों ने आपकी चाबी टेबल, मेज पर ही छोड़ दी है. कहाँ छोड़ दी है, मेज पर छोड़ दी है. जगह, वो जगह बताएगा. प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस जानने के लिए हमेशा उस वाक्य से सवाल करिए कहाँ छोड़ दिया है. जवाब जो आएगा वो आपका हो जाएगा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस. शी वॉज वेटिंग एट द कॉर्नर. शी वॉज वेटिंग एट द कॉर्नर. एट जो है ये प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है. एट का यूज़ हम लोग टाइम के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे आपको इसका यूज़ समझना होगा. जैसे जैसे नेक्स्ट क्लास में अभी हम लोग आपको बताएंगे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ मैनर, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस. सो इन दिस क्लास वी हैव लर्नड अबाउट द डेफिनेशन ऑफ प्रीपोजिशन विद देयर एग्जाम्पल्स, द काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन विद देयर एग्जाम्पल्स, एंड द फर्स्ट काइंड वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ. इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ मैनर, एज वेल एज प्रीपोजिशन ऑफ पर्पस. इन द सो स्टूडेंट, अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ मैनर और प्रीपोजिशन ऑफ पर्पस को जानेंगे, समझेंगे. और प्रीपोजिशन रिलेटेड एक्सरसाइज आपको स्लाइड्स में मिल जाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो आप इस प्रीपोजिशन चैप्टर का नोट्स बनाएंगे, इसका डेफिनेशन को लर्न करेंगे, और जो एक्सरसाइज आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा करने के लिए उसे सॉल्व करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, गुड डे.